अविनाश, अभी अभी खबर ये आई है कि अंबुजा सीमेंट्स का मैनेजमेंट सिंगापुर और हांगकांग में मार्च 27 से मार्च 31 के बीच में रोड शोज करेगा। हमने देखा ये कि ये स्टॉक भी करीब 450 के भाव हुआ करता था, लेकिन सब एक साल का चार्ट। हाँ, ये देखिए 550 के भाव से करेक्ट होके गिरना रुका। इनफैक्ट 340 330 के आसपास काफ़ी अच्छे हैंड्स, मजबूत हाथों ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए, और एक ये दिखा रहा है कि चलो यहाँ से गिर नहीं रहा बहुत ज़्यादा। ये और आपका अदानी पोर्ट्स, सारे अदानी स्टॉक्स में प्रिफर्ड स्टॉक्स ये दोनों हैं, अंबुजा ACC और अदानी। आप क्या अंबुजा इस भाव पे लेंगे? क्योंकि अब ये मैनेजमेंट भी अगर मिले गए पूरे फंड से, फंड कम्युनिटी से, 27 से 31 हांगकांग और सिंगापुर में, तो कुछ तो बताएंगे वो आगे का क्या ये स्टॉक में एक्शन हो सकता है। नहीं बिल्कुल, कहते हैं क्या लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट्स वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि देखिए ये जो भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हुआ, इसमें अंबुजा और ACC ये एक ऐसी कंपनीज थी जो ग्रुप ने खरीदी थी। मेरे ख्याल से देखिए सीमेंट का अगर रियल ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी कहे तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मार्च क्वार्टर आने की अच्छी उम्मीद है, नंबर्स दिसंबर क्वार्टर से तो अच्छे आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा पुश गवर्नमेंट भी कर रहा है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा पहले सीमेंट कंपनीज के ऊपर आएगा, क्योंकि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और इनके लिए जियोग्राफिकली जो मार्केट्स में ये काम करते हैं बहुत ही प्रीमियम मार्केट से, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट तो है ही, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट इन इन्वेस्टर्स के साथ अगर ये करते हैं और थोड़ा सा इनके परफॉर्मेंस और आगे की ग्रोथ कमेंट्री के ऊपर इनको थोड़ी सी कमेंट्री मिलती है तो डेफिनेटली ये बात मार्केट्स को पसंद आएगी। डेफिनेटली ये भी बातें हो रही है कि शायद थोड़ा सा स्टेक सेल की भी बातें हो रही है अंबुजा सीमेंट्स में, तो अगर ऐसे कुछ बातें फ्रक्टिफाई होती है तो इससे कोई डाउट नहीं कि करंट लेवल से आपको काफी कंफर्ट मिलना चाहिए, यहाँ से एक अच्छी रीरेटिंग आपको मिलेगी, प्रोवाइडेड वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट्स में हो, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट्स लुक्स वेरी वेल अगर आपका नजरिया 12-15 महीने का है। और रही बात अडानी पोर्ट के सारे शेयर्स में, मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स एक ऐसा विकल्प है जो ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, यहाँ पे वारबर्ग पिंकर्स जैसे बड़े पी फंड्स ने भी इन्वेस्ट किया था, तो मुझे लग रहा है कि जिनका लंबा नजरिया है अडानी पोर्ट्स में भी डेफिनेटली एक पोजिशन आप बना सकते हो, क्योंकि पोर्ट का बिजनेस एक अच्छा कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है, ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 35 पोर्ट्स इनके अंडर है और ये एक तरीके से का मोनोपोली बिजनेस बना है, तो आई थिंक अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट ये दोनों स्टॉक्स में आपको अगर लंबी नजरिया से खरीदने का है तो मौका काफी अच्छा है, थोड़ा सा टाइम और पेशेंस यहाँ पे प्ले आउट करना काफी जरूरी रहेगा। रीरेटिंग का कैंडिडेट अंबुजा सीमेंट तो साबित हो सकता है। कुछ लैंडमार्क कार पर एक चार्ट चेक का आपका हम चाह रहे थे, स्टॉक में आज अप मूव दिख रहा है। जी हाँ, मुझे ध्यान है लास्ट वीक भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, मोमेंटम अच्छा खासा है। एंड व्हाट द गुड थिंग इज कि इसमें हमें फॉलो थ्रू बाइंग दिखने मिल रही है पिछले 2 से 3 दिनों में, जहां पे स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज भी हुआ है, सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजिशन लेके चल सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजिशन भी राइड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री लें। 540 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। पहला टारगेट जो है ये 570 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट 585 का। तो मोमेंटम अच्छा खासा इसमें बना है, एंड अगेन मार्केट में वीकनेस है उसके सामने ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, व्हिच इज आल्सो अ प्रूफ ऑफ इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ। लेके आइए जरा